हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख टेक्निक राहुल शर्मा चैनल। जैसे कि आपको पता है आज 27 जून 2020 का आज रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, यूपी बोर्ड का क्लास 10th और 12th का। तो रिजल्ट को आप सबसे पहले किस वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, तो मेरा वीडियो तो उस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए और आपको क्या क्या परमिशन चाहिए रिजल्ट देखने के लिए, तो मेरा वीडियो अंत तक देखें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें। तो साथ ही तो बताने जाऊंगा आप सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा दोस्तों, आज किस किस का रिजल्ट काफ़ी अच्छे नंबर उस अंक से आया, तो मुझे काफ़ी बताएं कमेंट में जरूर। तो मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट और आपको सीधे वेबसाइट के बारे में बताने चलता हूं। चलो चलते हैं, वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के विंडो में आना है। विंडो में आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मोबाइल प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको यहाँ पे सरकारी.com सर्च कर लेना है, ठीक है। तो सरकारी.com यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। सरकारी.com यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जो पहली वाली वेबसाइट है उसमें आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो इसे रीलोड कर लेते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लास 10th 12th जिसका भी रिजल्ट देखना है, तो आप यहां से यूपी बोर्ड का क्लास 12th और 10th का रिजल्ट देख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें। तो साथ ही मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों।